हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। एंड बात की जाए गाइज अपने आज की वीडियो की, तो भाई आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाले हूं अपने गिफ्ट स्टोर पर आने वाले 50% ऑफ के कंफर्म डेट की। तो जी हाँ भाई, यहाँ पर बहुत ही जल्द आप लोगों को गिफ्ट स्टोर के ऊपर जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कब आने वाले एंड कौन कौन सी आइटम्स के ऊपर आने वाले, पूरा इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। एंड इसी के साथ में भाई यहाँ पर बात करेंगे आने वाले कुछ अपकमिंग इवेंट्स की। जैसे कि गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपना होली का जो इवेंट आने वाला है उसका गाइज ऑफिशियल बैनर मुझे गेम की फाइल के ऊपर से मिल चुका है। तो ऑफिशियल बैनर आप लोग यहाँ पर अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो भाई कुछ इस तरह का अपना 2024 का जो होली इवेंट है उसका यहाँ पर ऑफिशियल बैनर है। अब गाइज यहाँ पर बात की जाए होली इवेंट के आइटम की या फिर उसके फ्री रिवर्ड्स की, तो भाई देखो यहाँ पर 2024 का जो अपना होली इवेंट है ना उसके थीम पर सिर्फ 4 आइटम्स को ही डिजाइन किया गया है। बाकी की गाइज यहाँ पर जो आइटम आएगी वो आप लोगों को पिछली बार अपना जो क्रोमा फ्यूचुरा करके एक इवेंट देखने को मिला था शायद, तो भाई वो जो फ्यूचुरा इवेंट है ना उसकी सारी आइटम को यहाँ पर इस बार होली इवेंट के अंदर रिटर्न किया जाएगा। बट यहाँ पर गाइज मैं आप लोगों को होली इवेंट की जो न्यू आइटम्स है उनका रिव्यू करा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को एक मेल बंडल दिया जाएगा, जो कि भाई यहाँ पर मैं इसके लुक की बात करूँ तो भाई मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का मेल बंडल है, ये आप लोगों को होली इवेंट के अंदर मिलेगा। एंड भाई देखो अगर आप लोग ये चक्कर में हो कि ये होली इवेंट के अंदर हम लोगों को फ्री में मिलेगा तो आप लोग भूल जाना। भाई देखो कितना कमल का बंडल है यहाँ पर, इसका मतलब पूरा लुक आप लोग देखो काफी मस्त है। तो भाई इतना कमल का बंडल गरेना वाले कभी भी फ्री में देंगे भाई भूल ही जाओ, आप लोगों को ये मिलेगा पेड इवेंट के अंदर। आई थिंक मोको स्टोर के अंदर या फिर फेटेबल के अंदर आ सकता है। तो ये मेल बंडल आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद में भाई यहाँ पर एक गन स्किन आप लोगों को मिलती है जो कि M82B की होने वाली है। ये भी गाइस यहाँ पर लेजेंडरी है, लेकिन गाइस ये आप लोगों को यहाँ पर होली इवेंट के अंदर फ्री में मिलेगी। तो जी हाँ भाई ये अपना फ्री का आइटम होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग इसके एट्रीब्यूट्स भी चेक कर सकते हो एंड इसका लुक भी देख सकते हो। इस तरह की जो M82B की स्किन है वो आप लोगों को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एक बेट की स्किन आप लोगों को मिलेगी जो कि यहाँ पर पिचकारी टाइप की है एंड नाप भी इसका पिचकारी है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह की बेट की स्किन यहाँ पर डिजाइन की गई है। तो ये बेट की स्किन भी आप लोगों को होली 2024 के अंदर बिल्कुल ही दी जाएगी फ्री में। फिर बेट की स्किन के बाद गाइज यहाँ पर आप लोगों को एक इमोट दिया जाएगा जिसका नाम यहाँ पर बुरा ना मानो। तो भाई जो होली इवेंट आने वाले उसके अंदर से ये इमोट भी हम लोगों को बिल्कुल ही फ्री में दिया जाएगा। तो इस तरह की गाइज यहाँ पर कुछ आइटम्स होने वाली है। यहाँ पर सिर्फ मेल बंडल आप लोगों को पेड मिलेगा, बाकी की जो आइटम मैं आप लोगों को दिखाया वो सारी की सारी आइटम आप लोगों को यहाँ पर फ्री में दी जाएगी। अब बात करें कि अपने गेम के ऊपर होली इवेंट कब से स्टार्ट होगा, तो भाई 25 मार्च को होली है, तो आई थिंक 20 मार्च को अपना जो होली इवेंट है वो यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ आप लोगों को नजर आ जाएगा। लेकिन भाई होली इवेंट से पहले अपने गेम के ऊपर जो रमजान का इवेंट है वो स्टार्ट होने वाला है, तो आई थिंक आप लोगों को थोड़े ही दिनों के अंदर जो रमजान का इवेंट है वो यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ नजर आ जाएगा। तो उसका यहाँ पर आप लोग बैनर देख सकते हो। यहाँ पर गाइस बैनर के अंदर जो आइटम को हम लोगों को मेंशन किया गया है वो सारी आइटम आप लोगों को फ्री में मिलेगी। तो रमजान इवेंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को अपनी आज की शाम वाली वीडियो के अंदर बता दूंगा, तो आप लोग कोई भी टेंशन मत करो। फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करें भाई यहाँ पर नेक्स्ट गोल्ड रॉयल की, तो आप लोगों को पता होगा 2 दिनों बाद अपना जो नेक्स्ट गोल्ड रॉयल वो गेम के अंदर आने वाला है। तो अब तक गाइस यहाँ पर गेम की फाइल के ऊपर ऑफिशियल बैनर तो ऐड नहीं हुआ है, लेकिन गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये जो चिली होटी बंडल है इसके गाइस यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस निकल कर आ रहे हैं। तो भाई ये जो चिली होटी बंडल है ये हम लोगों को नेक्स्ट गोल्ड रॉयल के अंदर दिया जा सकता है। तो यहाँ पे फुल रिव्यू आप लोग देख सकते हो, इस तरह का आप लोगों को बंडल मिल जाएगा। तो ये बंडल के गाइस यहाँ पर काफी हाईली चांसेस है कि अपना जो नेक्स्ट गोल्ड रॉयल चेंज होगा 2 दिनों के बाद वहां पे आप लोगों को ये बंडल मिल सकता है। एंड इसी के गाइस यहाँ पे जो फीमेल वर्जन है वो आप लोगों को मिल सकता है यहाँ पर FF टोकन एक्सचेंज के अंदर। अभी आप लोगों को पता होगा काफी समय से गरेना वाले ने अपना बड़ी मां स्टोर अपडेट नहीं किया था, लेकिन भाई अभी कुछ ही दिनों पहले बड़ी मां स्टोर के अंदर भी चेंजेस हुआ है। तो भाई ऐसा हो सकता है कि जब भी आप लोगों को नेक्स्ट गोल्ड रॉयल देखने को मिले तो उसके साथ में यहाँ पर FF टोकन के अंदर भी आप लोगों को जो चेंज है वो देखने को मिल सकता है। तो मैं आप लोगों को आगे जो मेल बंडल दिखाया था उसी का फीमेल वर्जन आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा FF टोकन एक्सचेंज के अंदर। तो ये अपडेट था गाइस अपने नेक्स्ट गोल्ड रॉयल और FF टोकन स्टोर को लेकर। अब चलो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गिफ्ट स्टोर के ऊपर आप लोगों को 50% का जो ऑफ है वो कब देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो गाइस यहाँ पे देखो मैं आप लोगों के लिए लिंक्स ढूंढ रहा था ना, तो एक सर्वर के ऊपर मेरे को रमजान स्पेशल जो गिफ्ट स्टोर है वहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिला। तो आप लोग यहाँ पर अपने स्क्रीन के ऊपर क्लिप देख पा रहे होगे। भाई ये कोई भी एडिटेड क्लिप नहीं है, कोई भी यहाँ पर डाटा माइनिंग की क्लिप नहीं है, 100% रियल क्लिप है जो कि दूसरे सर्वर की है। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जहाँ पे भाई पूरे गिफ्ट स्टोर के ऊपर हम लोगों को ऑफ देखने को मिल जाता है। तो काफी सारी आइटम आप लोग यहाँ पर अपनी मेन आईडी के अंदर या फिर अपना जो खास दोस्त होगा उसको यहाँ पर काफी कम डायमंड में सेंड कर पाओगे, आप लोग गिफ्ट कर पाओगे उसको। तो भाई ये
जो गिफ्ट स्टोर के ऊपर डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है ना बाहर के सर्वर के ऊपर, तो हाईली चांसेस है कि इंडिया सर्वर के ऊपर भी आप लोगों को रमजान स्पेशल यहाँ पर गिफ्ट स्टोर के ऊपर डिस्काउंट देखने को मिल जाए। अभी गाइस देखो पूरी तरीके से तो कंफर्म नहीं है, बट भाई यहाँ पर चांसेस तो काफी ज्यादा है, क्योंकि भाई देखो इंडिया सर्वर के ऊपर डिस्काउंट कब आता है, एक तो आप लोगों को दिवाली के टाइम पर मिलता है, दूसरा आप लोगों को यहाँ पर वैलेंटाइन के टाइम पर देखने को मिलता है। लेकिन भाई ये दोनों ही इवेंट अपने गेम के ऊपर आकर चले गए, इंडिया सर्वर के ऊपर आकर चले गए, लेकिन भाई उस टाइम हम लोगों को गिफ्ट स्टोर के ऊपर ना तो डिस्काउंट देखने को मिला एंड भाई ना ही यहाँ पर स्टोर के अंदर कुछ हम लोगों को डिस्काउंट देखने को मिला। तो इस बार हो सकता है कि भाई रमजान स्पेशल आप लोगों को गिफ्ट स्टोर के ऊपर जो डिस्काउंट है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो भाई आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मेरे पास गिफ्ट स्टोर के 50% ऑफ का कोई ऑफिशियल बैनर आता है इंडिया सर्वर का, तो मैं आप लोगों के साथ जो अपडेट है वो जरूर शेयर कर दूंगा एंड मैं आप लोगों को कंफर्म डेट बता दूंगा कि इस डेट के ऊपर अपने इंडिया सर्वर का जो गिफ्ट स्टोर है उसके ऊपर आप लोगों को डिस्काउंट देखने को मिलेगा। फिलहाल गाइस देखो यहाँ पर दूसरे सर्वर के ऊपर डिस्काउंट आना स्टार्ट हो चुका है, तो काफी हाईली चांसेस बनते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश सर्वर के ऊपर भी आप लोगों को जो डिस्काउंट है वो देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेरे पास जैसे ऑफिशियल बैनर आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इंडिया और बांग्लादेश सर्वर के ऊपर किस डेट के ऊपर आप लोगों को गिफ्ट स्टोर के ऊपर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। फिलहाल गाइस यहाँ पर वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करें एंड बात करें भाई यहाँ पर आने वाले एक न्यू रिंग इवेंट की, तो काफी सारे बंदों के क्वेश्चन थे कि ब्रोकन भाई नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर यूनिवर्सल रिंग टोकन कौन सा देखने को मिलेगा। तो भाई जो नेक्स्ट यूनिवर्सल टोकन आने वाले उसके अंदर भाई आप लोगों को ये जो तीन आइटम्स है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को दो बंडल मिलेंगे एंड एक साइड का स्किन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। तो पहला बंडल का नाम है यहाँ पर बियर करके कुछ, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बंडल के पीछे से ना आप लोगों को बियर का इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो काफी मस्त लग रहा है यहाँ पर बंडल, आप लोग देख सकते हो पिंक कलर का आप लोगों को, सॉरी पर्पल कलर का आप लोगों को बंडल मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर बंडल होने वाला है, इफेक्ट भी काफी मस्त है एंड भाई यहाँ पर पूरे बंडल की बात करें तो पार्ट वाइज भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का आप लोगों को बंडल है वो बियर का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये बियर का बंडल है। देन गाइस यहाँ पर एक बुल का बंडल आप लोगों को मिल जाता है, जो कि भाई मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, बियर का बंडल काफी मस्त है लेकिन भाई बुल का बंडल इतना कुछ खास होने वाला नहीं है। एंड जैसे वो बंडल था जिसके पीछे से आप लोगों को बियर का इफेक्ट देखने को मिलता था, वैसे ही ये बंडल होने वाले जिसके पीछे से आप लोगों को बुल का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इतना कुछ खास बंडल नहीं है, बट अगर आप लोगों को निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हो एंड भाई यहाँ पर इसके ऊपर ना आप लोगों को सिंग भी देखने को मिल जाता है, तो काफी फनी बंडल भी इसको हम लोग समझ सकते हैं। एंड भाई यहाँ पर एक साइथ का स्किन भी आप लोगों को मिल जाएगा, इसका भी फुल रिव्यू आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो भाई अगर आप में से कोई भी बंदा यहाँ पर स्कैम 1992 देखा होगा तो उसको पता होगा बियर एंड बुल के बारे में काफी अच्छे से पता होगा। तो भाई क्या आप लोग भी स्टॉक मार्केट करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना, भाई मैं तो नहीं करता, आप लोग करते हो कि नहीं करते हो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बताना। तो भाई ये अपना एक न्यू रिंग इवेंट आने वाले, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट लवर हो तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, आप लोग यहाँ पर बुल हो तो बुल वाला भाई मतलब बंडल निकाल सकते हो, अगर बियर हो तो बियर वाला बंडल भी आप लोग यहाँ पर निकाल पाओगे। तो ये होने वाला गाइस अपना नेक्स्ट रिंग इवेंट जो कि आप लोगों को यहाँ पर यूनिवर्सल टोकन के साथ मिलेगा। देन तो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को अपने गेम के ऊपर ना बहुत ही जल्द गाइस इमोट पार्टी इवेंट देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस यहाँ पर इमोट पार्टी इवेंट आप लोगों को बहुत ही जल्द दिया जाएगा। अब गाइस देखो मेरे पास लिखा ही थी कि इस मंथ के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को जो इमोट पार्टी इवेंट है वो देखने को मिल जाएगा, लेकिन भाई आप लोगों को पता होगा आज सुबह ही अपने गेम के ऊपर लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट आ चुका है। तो अब गाइस यहाँ पर 7 दिनों तक तो आप लोगों को गेम के अंदर कोई इवेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई यहाँ पे 15 मार्च के बाद ही आप लोगों को जो इमोट पार्टी इवेंट है वो देखने को मिल सकता है। तो भाई आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, यहाँ पर बहुत ही जल्द गेम की फाइल के ऊपर इमोट पार्टी का ऑफिशियल बैनर भी ऐड हो जाएगा। तो मेरे पास जैसे ही यहाँ पर ऑफिशियल बैनर आएगा मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ऑफिशियल बैनर भी शेयर कर दूंगा एंड आप लोगों को बता दूंगा कि इमोट पार्टी के अंदर कौन कौन से जो इमोट्स है वो आप लोगों को यहाँ पर दिए जाएंगे। बाकी हाँ भाई यहाँ पर लोल इमोट्स के रिगार्डिंग आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट थे, तो भाई देखो आप लोगों को ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, लोल इमोट आप लोगों को मिल जाएगा नेक्स्ट इमोट पार्टी के अंदर। बाकी भाई देखो यहाँ पर इवेंट है नगर वाले चेंज भी कर सकते हैं, अगर इमोट पार्टी आप लोगों को नहीं मिलता तो इमोट कैप्सूल इवेंट आप लोगों को दिया जाएगा। दोनों ही वेब इवेंट यहाँ पर रहने वाले जिसके अंदर काफी सारे इमोट्स को रिटर्न किया जाता है, तो भाई यहाँ पर इमोट पार्टी नहीं तो आप लोगों को जो इमोट कैप्सूल है वो यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन इमोट पार्टी के चांसेस यहाँ पर काफी ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 2 वीक के अंदर आप लोगों को जो इमोट पार्टी इवेंट है वो यहाँ पर मिल सकता है एंड उसके अंदर लोन इमोट आप लोगों को मिल जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसी के साथ में भाई यहाँ पर बात की जाए नेक्स्ट अपडेट की, तो भाई देखो यहाँ पर काफी समय से अपने गेम के ऊपर ना रूक FF का बंडल को यहाँ पर पेंडिंग रखा गया है। तो भाई मेरे पास यहाँ पर लिख निकल कर आ रही है कि आप लोगों को बहुत ही जल्द ये जो रूक FF का बंडल है वो दिया जा सकता है, बट गाइस देखो अभी कोई भी इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल लीक है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अभी गाइस देखो बाहर के काफी सारे ऐसे सर्वर है जहां पर ये बंडल 2-3 बार रिटर्न भी आ चुका है, लेकिन इंडिया और BD सर्वर के ऊपर अब तक ये जो बंडल है वो हम लोगों को नहीं दिया गया है। तो भाई यहाँ पर
चांसेस बनते हैं कि अपना जो OB44 का अपडेट आएगा ना, जो कि आई थिंक आप लोगों को अप्रैल मंथ के अंदर मिलेगा, तो अपडेट के बाद ये जो आप लोगों को बंडल है ना रूक FF का, ये अपने गेम के ऊपर भी मिल सकता है, मतलब इंडिया और बांग्लादेश सर्वर के ऊपर भी मिल सकता है। तो भाई आप लोग बंडल यहाँ पर देख सकते हो, एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग आउट ऑफ 10 ये बंडल को कितने मार्क्स देना चाहोगे। भाई मैं तो यहाँ पर पूरे के पूरे 10 मार्क्स देना चाहूंगा, आप लोग कितने देना चाहते हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड इसी के अलावा गाइस यहाँ पर लास्ट अपडेट की बात की जाए तो भाई आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे बुया बंडल और रैम्पेजीवो बंडल को लेकर कि ब्रोकन भाई उसके बारे में कुछ अपडेट दो कि वो दोनों बंडल हम लोगों को कब रिटर्न मिलेंगे। तो भाई रैम्पेज के इवेंट के टाइम पर रैम्पेजीवो बंडल आप लोगों को रिटर्न मिलेगा, एंड बुया डे इवेंट के टाइम पर बुया का जो ईवो बंडल है वो आप लोगों को रिटर्न किया जाएगा। तो अभी गाइस आप लोग कोई भी यूट्यूबर की बातों में मत आना, अभी गाइस आप लोगों को ये जो ईवो बंडल है वो रिटर्न नहीं मिलने वाले। जब भी बुया का इवेंट स्टार्ट होगा तो बुया का ईवो बंडल रिटर्न आएगा, एंड रैम्पेज का इवेंट स्टार्ट होगा तो रैम्पेज का जो ईवो बंडल है वो आप लोगों को रिटर्न किया जाएगा। अच्छा, तो आज की वीडियो के लिए गाइस बस मेरे पास इतनी अपडेट थी, बताना आप लोग मुझे कमेंट करके कि आज की वीडियो की सारी अपडेट आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बाजू वाला जो बेल नोटिफिकेशन है उसे जरूर से प्रेस कर देना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।